नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। जाति सूचक मामला दर्ज होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए भारी संख्या में सामाजिक संस्थाओं के नुमाइंदे उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन उपायुक्त एसपी और आईजी के नाम भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव अंकावाली के पंचायत सदस्य के एक मामले में जाति सूचक शब्दों का संबोधन कर मानसिक और सामाजिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है। जो मामला पुलिस के पास दर्ज करवाया गया, परंतु 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर के उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उनका कहना है कि अगर अभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। इसके बाद आक्रोशित लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन यहां भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सुभाष बराला के नाम सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। जो झगड़े को सुलझाने के लिए गया था, लेकिन एक मैडम थी कुलदीप कौर और उसका घरवाला था, वो रात को 8:30 करीब मेरे साथ मतलब बदतमीजी वगैरह करेंगे, तो गांव वालों ने ये बोला कि आप चले जाइए, बाढ़ का मामला हम सुलझाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरे जाति सूचक शब्द बोले, इसमें उन्होंने कहा ये तो मतलब गुंडे और चोर तिमार चोरों का मन्ना है, और मतलब इससे से रिलेटेड मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई माननीय सचिव साहब के पास, और इसके मतलब तफ्तीश भी हुई SD जो अपने DSP है वो तफ्तीश करने के लिए गए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज हमने सभी संगठनों इकट्ठा होकर मतलब कि DC साहब के नाम और IG साहब के नाम और SP साहब के नाम मतलब ज्ञापन सौंपा है ताकि कार्रवाई बने, और मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से। और हम चाहते हैं कि जो जिसने भी ऐसी हमारे जातीय को लेकर हमारे असामान्य अपनी की है उनके प्रति कार्रवाई चाहते हैं। अगर कार्रवाई नहीं की तो हम इससे बैठने वाले चुप बैठने वाले नहीं है, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, हम उसके खिलाफ जोर से जो कार्रवाई करवाएंगे। ज्यादा हफ्ते का समय देते हैं हम प्रशासन को, अगर प्रशासन ने ऐसा उचित कार्रवाई नहीं की तो हम पूरी तरह से एक बड़ा आंदोलन करें। हमें चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा हर जगह ऐसे समाज में जो समाज जातीय भेदभाव करते हैं, हम सहन नहीं करेंगे इसी बात को लेकर।